अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमासाटी व्लॉग्स। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ हज़रत सैयद जलाल शाह रदियल्लाह, हज़रत सैयद मुराद शाह रदियल्लाह दरगाह शिवरी मुंबई उर्स का सेकंड पार्ट शेयर करूँगी। शिवरी दरगाह उर्स मुबारक का पार्ट वन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है चैनल पर, आप पार्ट वन ज़रूर देखेगा। ये है पार्ट टू। उर्स के तीसरे दिन की ये वीडियो है। संडे का दिन था 18 फरवरी 2024। देखिएगा इस तरह से यहाँ पर सबको पानी पिलाया जा रहा था। यहाँ का पानी एकदम अच्छा ठंडा ठंडा सा पानी था और यहाँ पर ये फूलों की चादर और कपड़ों की चादरों की दुकानें हैं। दुकान सिर्फ यही थी, ऊपर आपको जाकर वहाँ पर कोई दुकानें नहीं। अगर आपको फूल पेश करना है, चादर अत्तर पेश करना है, तो आपको यहीं से परचेज़ करना है। अदरवाइज़ आप ऊपर जाएंगे, ऊपर आपको नहीं मिलेगी, फिर आपको नीचे आना होगा फिर से, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और कभी भी आप ऐसे ऑर्डिनरी डे पर भी जाएंगे यहाँ पर ज़्यारत के लिए, तो फूलों की ही चादरों की दुकान नीचे ही है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में यहाँ पर लेडीज़ के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ पर भी न्याज खिलाई जा रही थी, लंगर खिलाया जा रहा था, और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए इस तरह से Gracias.
मज़ार शरीफ की आप ज़्यारत कर सकते, देखेगा इस तरह से यहाँ पर संदल पेश किया जा रहा था। दरगाह पर असर के टाइम पे लोबान होता है, आप ज़रूर आइएगा असर के वक्त यहाँ पर सलामी देने। मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी बनाई थी दरगाह की, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी वो सारी मैंने बताई थी। और बस आप आते रहिए, ज़्यारत करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो भी आपकी मुराद है अल्लाह इनके वसीले कबूल करे, आपकी दुआओं को कबूल करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर देखेगा एक के बाद एक नियाज लंगर आ ही रहे थे, इस तरह से यहाँ पर खीर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सभी लोगों को, और यहाँ पर लंगर चल रहा था। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये संदल आ रहे हैं, फूल आ रहे बाबा के लिए, चादरें आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नसीब में था, मैं पहले दिन और तीसरे दिन आई और मैंने इतनी सारी चादर और संदल देखे यहाँ पे, माशाल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखेगा इस तरह से, आपने देखा हर जगह से, हर कली से, हर तरफ से चादरें आ रही है, संदल आ रहा है। और यहाँ पर ये देखेगा नियाज जा रही है दरगाह पर, वो लेकर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ये जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बच्चे बड़े सभी, बस ये लोग अभी भी जा रहे हैं, और रात के कुछ 10 साढ़े 10 बज गए थे, और ये संडे का दिन था। और इस तरह से ज़्यारत के लिए जा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। और तरह तरह के देखेगा इस तरह से राइड्स हैं, बच्चे भी मेला एंजॉय करते हैं, बड़े भी ज़्यारत करते हैं आराम से, बच्चे भी खुश हैं इस तरह से। यहाँ पे ये 50 रुपीस में टियारा और ये जादू की छड़ी यहाँ पर सेल कर रहे थे बच्चों के लिए,
और ये लेडीज़ स्कार्फ है, लेडीज़ इमिटेशन ज्वेलरी है, बच्चों की फ्रॉक्स है यहाँ पर, ये देखिएगा इस तरह से, ये ड्रम्स है, सॉफ्ट टॉयज़ है, काफ़ी चीज़ें। और ये सॉफ्ट टॉयज़ भी 150 में 2 पीस था, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा है यहाँ पर, ये रिजनेबली प्राइज होते हैं और ये सारी टॉयज़ है। और इस इनके सिवा तो कहीं भी दरगाह का उरूस होता है, मेला होता है, ये सब चीज़ें होती है तो उसमें और रौनक हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है ये मेला अटेंड करना, जो उरूस का मेला होता है यहाँ पर, ये शॉप्स देखना, अटेंड करना, ये सबको बहुत अट्रैक्ट करता है इस तरह से, ये छोटे छोटे। और बचपन भी याद आ जाता है, जब हम छोटे थे तभी भी हम लोग ये सब छोटे छोटे टॉयज़ के लिए, खास करके टॉयज़ के लिए और कुछ ये राइड्स के लिए, झूलों के लिए हम मेला अटेंड करने के लिए जाते थे। और यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल रही है बच्चों के लिए, सब टॉयज़ है प्लास्टिक के छोटे छोटे से, देखिएगा इस तरह से यहाँ पर ये पूरी गली को सजाया हुआ है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई, मैंने लंगर भी खा लिया और खीर भी मुझे मिली पीने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह नियाज मिली, और खूब सारी सभी के लिए इनके वसीले मैंने दुआ भी की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को इनके ज़रिए कबूल करे, हमारी परेशानियों को अल्लाह दूर करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये देखेगा यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह का इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है ये मिनिएचर, एंड ये देखेगा KGN, और यहाँ पर स्टेज इस तरह से बनाया हुआ है सेटअप, एंड ये फिर से टॉयज़ की शॉप से, मेला है तो बच्चों के लिए यहाँ पर टॉयज़ के काउंटर स्टॉल्स होते ही हैं। एंड ये जो दरगाह का उर्स होता है, उर्स के वक्त जो मेला लगता है, यहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं, ये ख़रीदने का कुछ अपना मज़ा है। और ये चूड़ियाँ बैंगल्स तो हम पहले से ही मेले में, जब भी आते हैं, हम माहिम के मेले में जाते थे या कहीं हजी अली साइड जाते हैं मेले में, और मोहम्मद अली रोड पर मेला लगता है डोंगरी दरगाह का, अब्दुल रहमान शाह बाबा दादा रहमान दरगाह उर्स डोंगरी में लगता है, उस वक्त भी इस तरह से वहाँ पर भी रौनक लगी रहती है। तो हम लोग वहाँ पर भी ख़ास करके हलवा पूरी और ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी, उसी के लिए जब हम छोटे थे तो हम उस लालच से जाते थे कि हमको ये कुछ खिलौने मिल जाएंगे और चूड़ियाँ मिल जाएगी, नई नई रंगीन रंगीन, एंड सीरा पराठा, हलवा पराठा मिल जाएगा खाने के लिए। और अभी वो सब, ये सब देख कर वो दिन मुझे याद आ जाते हैं, अच्छा लगता है माशाल्लाह। यहाँ पे ये स्टॉल है, इन्होंने यहाँ पर, ये भी बचपन की याद आ जाती है, ये बुड्ढी के बाल है, और यहाँ पर आम की रोटी है खट्टी, एंड ये यहाँ पर काउंटर है हलवा पराठा का, पर मुझे नहीं मिला, ख़त्म हो चुका था हलवा पराठा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स की जो तीसरे दिन की वीडियो है वो भी मैंने शेयर कर ली आपके साथ में, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, दुआ करिएगा मेरे लिए, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।